So hi everyone and welcome back once again to the channel and a very good evening to all of you. My name is Manish Mishra and I'm your mentor for RBI SEBI and NABARD. So guys, the RBI Grade B phase 1 is on 9th of July and around 10 to 12 days are now left. So what is that one thing? What is that one thing which will make you clear this exam? कोई एक ऐसी चीज मेरे को बताओ जिससे कि आप उस तरफ होगे, मतलब आरबीआई की सीट पे बैठे होगे. एंड दैट वन थिंग इन दिस क्रूशियल पीरियड ऑफ 10 टू 12 डेज इज द रिवीजन. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज आई एम गोना टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, बिकॉज ये वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही है बिकॉज आई कुड सी दैट पीपल आर रनिंग आफ्टर न्यू थिंग्स. मेरे पास बार बार टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे कॉल्स आ रही है कि अच्छा मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट. But right now what you have to focus on is the revision. And let me tell you what is the importance of revision. Right? So, इसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे and ज्यादा नहीं 10-5 मिनट में हम बातचीत करके खत्म करते हैं, ठीक है. So, I am going to start with this announcement. We have launched the RBI Grade B past year book, past year papers book, which contains 2010 to 2022 past year paper, both phase 1 and phase 2 with detailed explanation. You can buy this book at Amazon and through the website as well. Alright, so I am going to start with this very famous saying by the Bruce Lee Bhaiya. So, I don't fear the man who has practiced 10,000 kicks, but the man who has practiced one kick 10,000 times. So, if you guys follow my classes, so I have classes mein kam se kam hazaro baar ye baat bol di hogi ab tak mein, that right now you have to do one thing 10 times, right? And not 10 things one time. बिकॉज अगर आप 10 चीजों को एक बार करके जाओगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल एट ऑल. वो कहीं से भी आपके कोई काम आने वाला नहीं है. एक चीज को 10 बार करके जाओ, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, राइट? एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज वी ऑल नो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, देर आर अ लॉट ऑफ फिगर्स दैट आर देयर विच वी हैव टू रिमेंबर. एंड हाउ वी कैन रिमेंबर दैट? देर इज ओनली वन वे, दैट इज रेगुलर रिविजन, रेगुलरली रिवाइज करते रहो. तो ब्रूसली, मेरी बात नहीं मान रहे तो ब्रूसली जी की बात मान लो, राइट? उसके बाद लेट मी टेल यू व्हाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. व्हाट चेंज डज रिवीजन ब्रिंग टू यू, ब्रिंग टू योर प्रिपरेशन? रिवीजन आपको कैसे डिफरेंस डिफरेंट बनाता है फ्रॉम दोज एस्पिरेंट्स हु आर नॉट डूइंग रेगुलरली रिवीजन, ठीक है. रिवीजन से गाइस बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है. और ये जो आखिरी के 10 से 12 दिन है, दीज आर वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल. तो लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन विद 3 पॉइंट्स. नंबर 1, रिटेंशन. देखो, जो रिवीजन है, द रेगुलर रिवीजन हेल्प्स यू इन रिटेनिंग द फैक्ट्स. द मोर यू रिवाइज, द मोर यू रिटेन, एंड द मोर यू रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट? सो इट हेल्प्स यू इन रिटेंशन, राइट? एंड इट इंक्रीजेज योर रिटेंशन पावर, राइट? एंड ऑफकोर्स इफ इट इंक्रीजेज योर रिटेंशन पावर, यू वुड बी एबल टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर फैक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. और ये आपको मॉक टेस्ट से भी अंदाजा लगता होगा. द पीपल हु आर डूइंग रेगुलर रिवीजन कैन रिलेट टू दिस. नंबर 2, कंसोलिडेशन. रेगुलरली रिवाइज करने से एक फायदा होता है कि जो आपने पीछे की चीजें पढ़ी है ना, उसको कंसोलिडेट करने में आपको मदद मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट से टुडे यू हैव स्टडीड अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग. लेट से यू हैव स्टडीड अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, राइट? एंड यस्टरडे यू हैव स्टडीड अबाउट सम अदर फैक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. सो व्हेन टुडे यू आर स्टडीइंग अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, देन जो आपने कल पढ़ा था, राइट, जो कल आपने पढ़ा था, यस्टरडे व्हाट यू हैव रेड, यू कैन रिकॉल इट. And you can consolidate it with the today's facts. So it helps you in consolidation, right? Take another example. Let's say today you are studying any particular government scheme on maternity benefits, right? Let's say today you are reading Suman, Surakshit Matritva Ashwasan. And tomorrow you will be reading Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. So what you can do is, you can, when you read the, when you will be reading the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, what you can do is, you can consolidate it with the Suman which you have read today, right? So it helps you in consolidation. And number 3, of course, it helps you in application. Jitna zyada aap regularly revise karoge, aap utna zyada apply kar paoge all those facts in your mock test, in your examination. All right. So this is why the revision is important. These 3 important points, jiski wajah se hame रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, नाउ व्हाट टू डू राइट नाउ? सी, राइट नाउ मैं 500 बार बता चुका हूं गाइस, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर न्यू थिंग्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन रिवीजन. अब अगर आप में से किसी ने अभी ही प्रिपरेशन शुरू करी है तो गाइस
उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट द पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट टू मंथ, दोज गाइज शुड ट्रस्ट ऑन वट एवर दे हैव स्टडीड एंड दे शुड मोर फोकस ऑन रिविजन राइट नाउ. दे शुड मोर फोकस ऑन रिविजन बिकॉज अगर आपने रिविजन नहीं करी तो जितना भी आपने अब तक पढ़ा है दैट विल गो इन टू वेन, दैट विल बी ऑफ नो यूज अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे. राइट, अभी दो तीन दिन पहले आई मेट अ टॉपर हु क्लियर द 2022 एग्जामिनेशन. सो वॉट ही टोल्ड मी दैट ही यूज टू रिवाइज द पीआईबी पीडीएफ 7 to 8 times, 7 to 8 times उसको पढ़ने की जरूरत पड़ती थी. एंड यस, इन सम केसेस आप में से कई लोग जो बहुत तेज दिमाग के होंगे उनको 5-6 times पड़ेगी, कुछ लोगों को 3-4 times पड़ेगी, बट जरूरत पड़ेगी रिवाइज करने की. ऑलराइट, सो राइट नाउ इफ यू आर स्टडिंग लेट्स से फॉर 4 hours, let's say you are studying right now for 4 hours, then you should devote 2 hours for revision and 2 hours to study, and in fact 3 hours for revision and 1 hour to study, because we have to cover the current affairs. So that's why I am giving you some time for the current study as well. So you can divide your time in 2 parts, one part, half part is for revision completely and half part is for the study which you are doing. All right, aage chalte, don't do these mistakes. कुछ मिस्टेक्स है मेजर 3 जो कि आप लोग कर रहे हो, प्लीज वो मत करो ड्यूरिंग द रिवाइजिंग द थिंग्स. नंबर 1, क्रैमिंग एट द लास्ट मोमेंट. सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रैम एवरीथिंग एट द लास्ट मोमेंट इज दैट इट इंक्रीजेस योर स्ट्रेस एंड इट रिड्यूसेस द रिटेंशन पावर, द रिटेंशन स्ट्रेंथ, द रिटेंशन पावर विल बी रिड्यूस्ड व्हेन यू यू नो क्रैम लॉट ऑफ थिंग्स एट द लास्ट मिनट. इसीलिए अभी जो पहले पढ़ लिया है उसके ऊपर फोकस करो. नंबर 2, ओवरलोडिंग. एक बार में पूरी पूरी चीजें रिवाइज मत करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग स्पॉटलाइट, लेट्स से इफ यू आर रिवाइजिंग स्पॉटलाइट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, सो डोंट गो फॉर रिवाइजिंग द एंटायर स्पॉटलाइट इन वन गो, बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 150 pages. तो अगर आप 150 pages एक बार में पढ़ोगे तो इट विल अगेन क्रिएट स्ट्रेस, आपका दिमाग भारी हो जाएगा. राइट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स बिटवीन द रिविजन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लगातार पढ़ते चले जा रहे, दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइडिया. ठीक है, नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस. यू नीड टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस, एंड द मेजर डिस्ट्रैक्शन दीज डेज वी ऑल नो इज योर सेल फोन, इज योर मोबाइल फोन. स्टे अवे फ्रॉम दैट फॉर सम टाइम एटलीस्ट. राइट, अगर आपके जो भी लोग हैं, आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो अगर आप उन लोगों को थोड़ा टाइम दे दो कि भाई मेरे को पढ़ने दो, राइट, लेट मी स्टडी फॉर सम डेज एटलीस्ट, क्योंकि उसके बाद जब पढ़ लोगे एग्जाम निकल जाएगा तो उसके बाद जिंदगी बात भर बात करते रहना, नो वन विल स्टॉप यू. 50-50 घंटे बात करना, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू. फॉर राइट नाउ प्लीज डिलीट योर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम को रहने दो, बिकॉज इट इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग यू गाइज एंड बिटवीन यू एंड मी ऑल्सो एंड अदर टीचर्स एज वेल. तो इंस्टाग्राम को हटाओ सबसे पहले तो, ठीक है. और जो भी चीजें अभी आप कर रहे हो विच इज लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ, प्लीज अवॉइड दिस. एंड यस, डिस्ट्रैक्शन से मेरे दिमाग में चीज आती है कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे होंगे. लेट मी टेल यू गाइस कि सबके साथ सर्कमस्टेंसेस आते, नो वन इज डिवॉइड ऑफ दैट. सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी बात को लेकर परेशान है, कोई किसी बात को लेकर परेशान है. राइट, किसी के घर में लड़ाइयां चल रही है, किसी का बॉस उसको छुट्टी नहीं दे रहा है, किसी की हेल्थ खराब है. राइट, किसी के घर में उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब है. सो देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. जीतेगा यहां पे वही जो कि इन प्रॉब्लम्स में सर्वाइव करके आगे निकल के आएगा और पढ़ेगा. राइट, ऐसा आप में से एक भी नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम्स या सर्कमस्टांसेस नहीं होगी, बट हेयर दैट क्वेश्चन विल विन जो कि इस सिचुएशन में भी सर्वाइव करेगा और पढ़ाई करेगा. ऑलराइट, सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. आगे चलते, staying motivated. Yes, motivated रहना जरूरी है during revision. You need to celebrate the accomplishment. अपने आप को guilt मत दो बार बार कि यार आज देखो क्या होता है कि generally जब हम अच्छा perform करते हैं अपने आप को शबाशी नहीं देते, लेकिन जब हम बुरा perform करते हैं ना तो अपने आप को कोसने लगते. Right? When we perform well, we do not you know celebrate. But when we perform bad, we just put ourselves into the guilt. So that should not be the idea. ठीक है, अगर आपको अपने आपको गिल्ट देना है दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू नीड टू सेलिब्रेट एज वेल दैट ओके टुडे आई टारगेटेड टू रिवाइज द एंटायर गवर्नमेंट स्कीम पीडीएफ एंड आई हैव डन इट, सो लेट्स सेलिब्रेट टुडे. अब सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात आप सेलिब्रेशन में बिता दें. राइट,
अपने बैग को पैक करो एंड यस अपने आप को एक थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्टर दो कि यस ठीक है मैंने जो आज टारगेट सोचा था दैट आई हैव अचीव्ड. नंबर टू रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू नीड टू फॉलो सर्टेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड यू नीड टू टेक सम ब्रेक्स. रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 50 मिनट्स इन अ गो देन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स व्हेन यू आर टेकिंग द ब्रेक्स डोंट रन आफ्टर योर फोन और एनी अदर थिंग. बिकॉज अगर मान लो कि आज अभी आप पढ़ रहे हो 50 मिनट आपने पढ़ा और उसके बाद चले गए आप बाहर चाय पीने टपरी पे तो कुछ नहीं होगा भाई साहब. जो आपने पढ़ा सब उड़ गया सब जीरो हो गया सब गोली हो गया. सो व्हाट यू हैव टू डू देन यू जस्ट लाई डाउन ऑन योर बेड जस्ट क्लोज योर आईज एंड टेक सम डीप ब्रेथ्स. फॉलो सर्टेन टेक्निक्स फॉर मेडिटेशन राइट. इन सब चीजों को फॉलो करो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस इट विल इंक्रीज योर रिटेंशन एंड इट विल गिव यू एनर्जी टू फोकस मोर ऑन द नेक्स्ट 50 मिनट्स. बट अगर आपने अपना फोन उठा लिया या बाहर चले गए चाय पीने सुट्टा पीने खत्म राइट. एंड या सो यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द रिवीजन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एंड करना चाहूंगा कि रिवीजन ऐसा करो कि चार लोग बोले बस कीजिए बहुत हो गया राइट. इस लेवल की आपको जरूरत है राइट. दैट इज द लेवल विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. ऑलराइट गाइस सो दैट इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू टॉक. एंड काफी सारे मैसेजेस काफी सारे कॉल्स थे. काफी आप में से कई लोग परेशान हैं बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे को चीजें याद नहीं रह पा रही हैं. आई एम अनेबल टू रिकॉल द थिंग्स. द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट रेगुलरली रिवाइजिंग इट. व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लेट्स से रीडिंग द मार्च मंथ स्पॉटलाइट टुडे एंड देन यू आर पिकिंग इट अप आफ्टर वन मंथ. तो आफ्टर वन मंथ वो खत्म हो गया जीरो हो गया भाई. सो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू रेगुलरली रिवाइज द थिंग्स. And right now, you should give whatever time you are studying, for whatever hours you are studying, half time you need to devote to the revision and half to the new study or the mock test. Okay? All right, guys. So that is all which I wanted to discuss. I hope this video helps you. And chalte hain fir milenge kabhi aur kisi agle session mein aur agli class mein. Till then, keep studying, keep revising, and revising hard. Goodbye. Take care and God bless.